अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सईद उमर फारूक। अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, कुछ लोगों को बात में बात गुस्सा करने की आदत होती है और बात को स्टार्ट भी गुस्से से करते हैं, दरमियान में भी गुस्से में ही रहते हैं और बात को एंड भी गुस्से में ही करते हैं। तो अगर ऐसे लोगों के साथ कभी कभार वास्ता पड़े तो कोई इतना मसला नहीं है, बट ऐसे लोगों के साथ अगर आपका कंसिस्टेंटली आपके साथ रिलेशन है, आप उनके साथ गेट टुगेदर करते हैं या आपके ऑफिस में वो आपके बॉस हैं या आपके कोई ऐसे सबॉर्डिनेट हैं, तो उनको किस तरह से टैकल करना है, या आपका कोई लाइफ पार्टनर है या आपके कोई रिलेटिव्स हैं, घर के मेंबर हैं, तो उनको किस तरह से टैकल करना है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत कंप्लीट डिटेल में बताऊँगा कि जो लोग बार बार गुस्सा करते हैं उनको हम कैसे मैनेज करें, कैसे हैंडल करें। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। जी तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कुछ ऐसे लोगों की जो बाद ही बाद गुस्सा करते हैं। तो अगर आपका वास्ता ऐसे बंदे से पड़ गया है कि जो बाद ही बाद गुस्सा करता है और बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड यूज़ करता है, तो फिर उसको मैनेज करने के लिए जो टिप नंबर वन है, ठीक है, तो वो एक बात अंडरस्टैंड करने वाली है कि मे बी वो इंसान वरीड हो किसी ऐसी रीज़न की वजह से कि जो खुद रखास्ता किसी भी और इंसान के साथ पेश आ सकती है। मे बी उसकी फैमिली के साथ कोई मिसहैप हो गया हो, कोई किसी ऐसे पर्सन को उसने खो दिया हो जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता हो। तो जब ऐसी सिचुएशन में इंसान होता है तो वो बहुत ज़्यादा समटाइम्स चिड़चिड़ेपन का भी शिकार हो जाता है और फिर वो गुस्सा करना स्टार्ट कर देता है। तो जो अपोजिट पर्सन है, जो बात विवाद अगर गुस्सा करें, ठीक है, तो उनकी पोजिशन को समटाइम्स अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फिर उनको थोड़ा सा प्यार के साथ समझाना, उनको प्यार के साथ लेकर चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि समटाइम्स कुछ लोग गुस्सा ज़रूर करते हैं बट हम उन लोगों को अपनी लाइफ में खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। वो आपका कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं और आपका कोई अच्छा दोस्त भी हो सकता है, कोई कॉलीग भी अच्छा हो सकता है, कोई बॉस भी हो सकता है, इनके साथ आपने कंसिस्टेंटली इंटरेक्शन करनी है। तो ये टिप नंबर वन थी। देन जो टिप नंबर सेकेंड है वो है ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीज़न ऑफ एंगर, के जो अपोजिट पर्सन है जो गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है, उनके गुस्से की रीज़न को भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि यार ये गुस्सा कर क्यों रहा है। मे बी जो वो गुस्सा कर रहा हो वो बिल्कुल एक्चुअली अपनी जगह फैक्ट पे हो, बिल्कुल अपनी जगह ठीक हो, तो उसके गुस्से को हर मरतबा हम गलत नहीं कह सकते हैं। तो उसकी रीज़न को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके किसी कॉलीग ने कोई करप्शन किया और फिर वो गुस्सा करें तो ऑब्वियसली वो बिल्कुल ठीक है। अगर कोई बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है फैमिली को या ऑफिस को, तो फिर उसका गुस्सा बिल्कुल ठीक है, उसकी बात को अंडरस्टैंड करना आई थिंक बहुत ज़रूरी है। ये टिप नंबर सेकंड थी। देन जो टिप नंबर थर्ड है वो है ट्राई टू कीप योरसेल्फ कूल, कि आपने हमेशा अपने आप को कूल डाउन रखना है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगा कि कभी भी आग को आग नहीं बुझा सकती, ठीक है, आग को बुझाने के लिए आपको पानी की ही ज़रूरत होती है, कि एक ठंडे पानी की ज़रूरत होती है। समटाइम्स आप उनको एक ठंडे गिलास का पानी पेश कर सकते हैं, ठीक है, कि आप ये पानी पिएं, उनको कूल डाउन करें, उनके साथ उनको कोशिश ये करें कि उनको कूल डाउन करने की कोशिश करें और ख़ुद भी कूल रहें या उस जगह को छोड़ दें। क्योंकि अगर वो गुस्सा कर रहे हैं, अगर वो इस वक्त गलत है और आप भी गुस्सा करना स्टार्ट कर देंगे, तो फिर उससे आपको कभी भी फ़ायदा नहीं होने वाला, उसका आपको उल्टा नुकसान हो जाएगा। तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपने उनको उस वक्त रोकना है कि आप इस वक्त गुस्सा ना करें, या आप खुद थोड़ी देर चुप हो जाएं और उस जगह से कहीं और चले जाएं। देन जो दोस्तों टिप नंबर फोर है वो समटाइम्स ऐसा होता है, कुछ लोग अपने आप को बहुत गुस्सीला शो करके ना डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं दूसरे लोगों को, कि मैं गुस्सा शो करूंगा, मैं एंगर शो करूंगा, तो मैं इसको डोमिनेट कर जाऊंगा और इसकी पर्सनालिटी को मैं डैमेज कर दूंगा, या फिर मैं इसको उस बात से पीछे हटा दूंगा कि जिस बात पर इसने स्टैंड लिया हुआ है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं और जो सेकेंड ऑपोजिट पर्सन है, ठीक है, और वो बेबात गुस्सा कर रहे हैं और वो शायद इसलिए कर रहे हैं कि वो आपको डोमिनेट कर जाएं, तो आप अपनी जगह पर स्टैंड लें और उस कि इस गुस्से को आपने कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। क्योंकि अगर आपने उनको हावी होने दे दिया, आप उनसे डर गए और अपनी जगह से, जिस जगह आपने स्टैंड लिया हुआ है, ठीक है, उस पोजीशन से आप हट गए, तो फिर आप कभी भी उस पोजीशन पे वापस आ नहीं सकेंगे और उसका सारी ज़िंदगी नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। ये मेरी टिप नंबर फोर थी। देन जो टिप नंबर फाइव है वो है ट्राई टू यूज़ सेंस ऑफ ह्यूमर, के हम किसी और के गुस्से को ठंडा करने के लिए समटाइम्स कोई अच्छा लतीफ़ा, कोई जोक, कोई अच्छी पुरानी याद, कोई ऐसा वाक्या के जो उसके गुस्से को ठंडा कर दे। और समटाइम्स ये उस वक्त भी बहुत ज़रूरी होता है जब आपको ये पता हो कि यार ये जो गुस्सा इनको आ रहा है ये मेरी ही वजह से आ रहा है, ये मिस्टेक मेरी ही है,
तो आप उस अपनी मिस्टेक को एडमिट भी कर सकते हैं और उनको कूल डाउन करने के लिए कोई ऐसा डिसेंट वे अपनाया जा सकता है कि जिसकी वजह से उनका गुस्सा जो है वो कम हो जाए, कूल डाउन हो जाए, जिसकी वजह से वो जो पोजीशन है, जो इस वक्त जो सिनेरियो बना हुआ, ठीक है, वो किसी हद तक कम हो सके। ये मेरी कुछ 5 टिप्स हैं कि हम किस तरह से जो बात ही बात गुस्सा करते हैं लोग, उनको हम मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप मुझसे मजीद किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।